गाइस वंस अगेन बैक, आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो चलो सीधा स्टोरी पे चलते हैं। तो अब तक जितना भी वीडियो है मैं ट्रैवलिंग का जो भी मैं बना रहा हूँ सारे के सारे मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो ऑफशोर प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग है। तो बार्ज अकोमोडेशन का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर रूम अकोमोडेशन कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटीज है, उसके बारे में सारे वीडियोस मैंने बना चुका हूं। और आप चाहे तो प्रीवियस जो भी मेरे एपिसोड है वहां जाके देख सकते हो। अभी मैं बता रहा हूं कि एग्जैक्ट जो वर्क है वो क्या है। एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई नॉलेज, मैं तो फ्रेशर ही था जब मैं पहली बार गया, तो मुझे तो काफी जितना भी लग रहा था सब नया ही लग रहा था कि भाई ये होने वाला है, क्योंकि हम बंद सोच के तो आया नहीं था कि ये काम करना है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो एग्जैक्ट असली एग्जैक्टली जो पेन है, जो स्ट्रगल है, जो काम है, जो वर्क है, इतना टफ वर्क है, ऊपर से आपको क्लाइमेट और वहां का टेम्परेचर और सपोज सब कुछ जितना भी मेरे लिए था वो नया एक्सप्रेशन था। तो काम पूरा एक दिन मेरा अकोमोडेशन के साथ जितना भी रेस्ट वगैरह होने के बाद सेकेंड डे मॉर्निंग से मेरा वर्क स्टार्ट होता है। वर्किंग टाइम जो रहता है वो 12 घंटे का शिफ्ट रहता है नॉर्मल शिफ्ट में। लेकिन ऑफशोर रिग प्लेटफॉर्म वगैरह में जो लाइक शटडाउन जॉब्स रहते हैं, जो टर्म या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस जितने भी सारे काम रहते हैं वहां का कुछ सिस्टम अलग है। आप 12 घंटे तो आपका ड्यूटी रहता ही है, लेकिन जो टेम्पररी या फिर 3-4 महीने की प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आते हैं उनको टाइम से पहले काम खत्म करना होता है, तो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी चला जाता है। अगर आप व्हाइट कॉलर हो, जैसे कि अगर कोई ऑफिसर हो या फिर कोई रैंक पोस्ट पे हो, तो आपको वो 14-15 घंटा काम करना ही पड़ेगा, उसका आपको एडिशनल कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लेबर वर्क कैटेगरी में आते हो तो 12 घंटे के बाद आपको ओवर टाइम चार्ज होता है। तो ये है डिफरेंस। मैंने उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस किया, जो काफी जो टेक्निकल लोग थे वो सुपरवाइजर जो रैंक ऑफिसर थे उससे ज्यादा वो लोग इसमें शटडाउन जॉब में पैसा कमा रहे थे। तो उसी एक कैटेगरी के अंदर स्टार्टिंग में मैं भी था। मुझे काफी टाइम लगा आगे पहुंचने में, जब जब मैंने जॉब चेंज किया, काफी फील्ड चेंज किया, तो जाके मेरा रैंक और पोजिशन जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन वो अलग अलग कंपनी के लिए। नॉर्मल जो कैटेगरी है वो वहीं का वही रहता है, लेकिन अगर आप कोई अलग से ऐसी कैटेगरी में आते हो जिसके अंदर आपको सुपरवाइजर भी के साथ में आप रह सकते हो, उनके साथ में मिलजुल के बात कर सकते हो, और वैसे ही आप वर्कर वगैरह के साथ जाके काम कर सकते हो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफी अलग था। इस फील्ड में जब मैं पहली बार गया तो मुझे सब काम करना था। आपका जो कैटेगरी जो डेजिग्नेशन है वो एज अ रैंक या एज अ सुपरवाइजर के टच में आता है, लेकिन उसी तरह आपको लेबर वर्क वगैरह भी करना पड़ता है। शिप के अंदर मैंने एक चीज देखा, काफी सेफ्टी है, चाहे कैप्टन हो, चाहे ऑपरेटिंग मैनेजर हो, कोई भी सुपरवाइजर हो, कोई भी लेबर हो, क्लीनिंग वो मस्ट कंपलसरी है। अगर आप जिस एरिया में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप वहां से गुजर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये हजार्स मतलब मैं शिपिंग की भाषा में हजार्स मतलब कचरा, जिस कचरे की वजह से नुकसान होता है उसे हजार्ड किया जाता है, हजार्ड बोलते हैं। अगर वो हजार्ड उस कैप्टन अगर चल रहा है, वॉकवे में चल रहा है, अगर उसको थोड़ा बहुत कचरा दिखा तो वो उठा के रखेगा साइड में, और उस एरिया को वो नोटिस करेगा और मीटिंग में कहेगा कि इस एरिया में क्लीनिंग नहीं हुआ, यहाँ पर एक हजार्ड पाया गया है। ये आप भी कर सकते हो। अगर आप कहीं पर जा रहे हो उस एरिया में काम करने की लोकेशन छोड़कर आप कोई और जगह पर जा रहे हो और वहां आपको हजार लग रहा है, तो आप उस जगह को क्लीन करके रिपोर्ट कर सकते हो। वैसा ही मुझे एक्सपीरियंस था। मैंने काफी कुछ 0 से लेके 100 मतलब जब शिप का काम स्टार्ट होता है वहां से लेके साइन इन से लेके साइन ऑफ तक का मैंने सारा काम किया था। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अलग ही था। उस दिन मेरे साथ पहला तो मैंने रेस्ट लिया, सेकेंड डे जो मेरा साथ में जो मेरे कलीग थे उनके पास में गया, तो उनसे मैंने पूछा कि अब मुझे करना क्या है। तो मेरा जो जॉब था वो नाइट शिफ्ट था, पहले ही मुझे नाइट को जॉब डाल दिया गया। नाइट शिफ्ट मेरा जॉब देने का रीजन एक था, एक आराम से कूल चिल रहो, एक तो काम का एक्सपीरियंस, ज्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं रहेगा, जो भी करना है नॉर्मल आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं है, मैं फ्रेशर था इसीलिए मुझे ये शिफ्ट दिया गया। डे में क्या होता था, काफी कुछ भाग दौड़ी था, काफी वो करो वो चाहिए ये चाहिए। अब मेरा जो जॉब था वो मुझे एक स्टोर, एक कंटेनर शिपिंग का अंदर एक 4 से 5 कंटेनर था जिसके अंदर काफी मतलब करोड़ों रुपए का सामान, प्रोजेक्ट मटेरियल, उसका टेक केयर, उसका जो भी डेली यूज है, कितना कहाँ कौन से प्रोजेक्ट में कहाँ यूज होगा, किसको देना है, फिर वापस हमें उसका रिकॉर्ड रखना है, और सिस्टम से हमको मेल भी भेजना है कि इतने इतना मटेरियल की, मतलब एक मटेरियल कीपिंग, एक मटेरियल कोऑर्डिनेशन, एक मटेरियल कोऑर्डिनेटर, एक स्टोर कीपिंग, फिर एक डेक इंचार्ज, फिर वहाँ का काफ़ी मतलब जितने भी काम थे वो सबको मिक्स करके एक काम, एक पैकेज पूरा दे दिया कि सिर्फ एक कैटेगरी में काम नहीं, आपको 0 से 100 मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारे काम करने। और इस चीज में मैं नो नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे सीखने को काफी कुछ मिल रहा है।
जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी नया बंदा होता है, वो क्या करता है स्टार्टिंग में, भी हाँ मुझे एक दो आदमी और चाहिए, मैं अकेला झेल नहीं पाऊंगा, इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगा। कहीं शिप में पर मैंने देखा है ऑफशोर रिग प्लेटफॉर्म के अंदर एक जहाज यहाँ पड़ा हुआ है, एक जहाज यहाँ पड़ा हुआ है, और आपका काम का लोकेशन यहाँ है, तो कभी कभी आपको यहाँ से वहां जाना पड़ेगा, कभी वहां से, ये मैं खुद झेल चुका हूँ, मैं काफी भाग चुका हूँ। और ऐसा नहीं है कि भाई भागते गए 5-10 मिनट में पहुंच गए, यू कैनॉट रन, आपको जो भी लोकेशन में जाना है आपको चल के ही जाना है, ये आपका मस्ट रूल है। प्लेटफॉर्म शिप के ऊपर आपको भागना अलाउड नहीं है, भागना सब इमरजेंसी केस में, इतना क्रिटिकल हो गया, अलार्म बज गया, तो ही आपको रेस्क्यू के लिए भागना पड़ेगा अपने जान के लिए, बाकी आप काम करने के लिए आप नहीं भाग सकते। और जो सीढ़ियां थी, ये जहाज है, ये प्लेटफॉर्म है, यहां से वहां तक जाने में कम से कम 20-25 मिनट सिर्फ सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते लगता है, और वहीं से लोकेशन में दूसरी पहुंचने में 1 घंटा लगता है, इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता है पूरा घूम फिर के। अगर स्ट्रेट है सब पास में तो इजी है, लेकिन अगर आपको लोकेशन तक पहुंचना तो काफी टाइम लगता है, फिर आने जाने में 1.5 घंटा तो हो ही जाता है, इतना टाइमिंग है। तो उस लोकेशन में जो लोग काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि शिप से जहाज से खाना वहाँ आधे 1 घंटे पहले पहुंचाया जाता है, क्योंकि वर्कर अगर अप डाउन करेगा तो 1 से 2 घंटे का लॉस्ट हो जाएगा, इसके लिए खाना वहाँ पहले पहुंचाया जाए। अगर पास में है, इजी है, कोई एक लोकेशन में है तो वो आ सकते हो, अपना खाना खा सकते हो। तो मेरा काम नाइट शिफ्ट था, तो नाइट शिफ्ट मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, लेकिन मैंने ऑनशोर जमीन के अंदर मैं नाइट शिफ्ट काम कर चुका हूँ, तो मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कि नाइट में क्या, समुंदर में नाइट शिफ्ट मतलब मौत का खेल, मैं अगर अपनी भाषा में बोलूँ तो इतना भयानक, इतना ठंडा पूछो मत यार, -डिग्री टेम्परेचर, चारों तरफ से समुंदर की हवा है, पूरा समुंदर का वो सॉल्टी स्मेल वो आएगा, ऊपर से रात को ज़्यादा हिलता है तो वॉमिटिंग टाइप का वो एक फीलिंग आता है। तो ये पहले दिन मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसको एडजस्ट किया तो मैं खुद इस पर मजे लेने लगा, कह रहे वाह कोई टेंशन नहीं, आराम से काम करो, कोई अगर रात में कोई जॉब चल रहा है तो मटेरियल दो, उसका रिपोर्ट बनाओ, टेक केयर करो मटेरियल का, अगर कोई प्रोजेक्ट में मटेरियल कुछ किसी का वहाँ काम करने के बाद कोई छोड़ दिया तो उसको रिपोर्ट करो, काम छोटे मोटे थे, अगर डेक में कुछ नाइट का काम चल रहा है तो वहाँ का परमिट देखो, डेक वॉच करो, और कभी कभी तो फ्री टाइम मिल जाता था बीच में गैप में तो हम लोग फिशिंग करने भी चले जाते थे, क्योंकि नाइट में क्या होता है कोई ब्रेक नहीं होता, आप कॉफ़ी के लिए जा सकते हो, चाय वाय पीने के लिए जा सकते हो, बाथरूम के लिए जा सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा 12 घंटे कंटिन्यू शिफ्ट करना है, तो उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं था, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब मैं समझ गया कि भाई डे शिफ्ट में क्या होता है कि 1 घंटा लंच ब्रेक दिया जाता है, उसके अंदर आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो अगर कोई कंटिन्यू काम चल रहा है तो वहीं पर भी आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, वो रिप्लेसमेंट बंदा आके वहाँ 1 घंटा आपका गैप में बैठेगा, फिर आप जाके खाना के लिए जा सकते हो। कहीं काम तो मैंने ऐसे किए थे जिसके अंदर मुझे 3 से 4 दिन कंटिन्यू 24 आवर नहीं, आई थिंक 72-85 आवर्स तक मैंने कंटिन्यू काम किया था, शटडाउन का जॉब चल रहा था, तो सिर्फ रूम में जाओ, नहाओ धो, बाथरूम करो, वापस आ जाओ, खाना पीना जो भी है वो आ जाता था, मैं अपने मेरा एक छोटा सा ऑफिस था कंटेनर में, उसी के अंदर अपना हो जाता था, और काफ़ी और भी बेनिफिट्स थे, बहुत कुछ ऐसा चीज़ मुझे देखने को मिला कि मैं देखते ही रह गया। तो नाइट शिफ्ट जो था मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था, मेरा काम था जितने भी मटेरियल थे प्रोजेक्ट के उन सब का कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, जो मैनेजर है, सुपरवाइजर, इंचार्ज, सेफ्टी है, उन सबको रिपोर्ट करना, डेक का परमिट लेना। डेक का परमिट लेना इसीलिए जरूरी है कि शिप के अंदर आप कोई भी अगर आपको काम, जो शिप का जो फ्लो रहता है, जहां पर मटेरियल लोडिंग शिफ्टिंग होता है, जहां पर कंटेनर होता है, उस कंटेनर को ओपन करने के लिए भी आपको कैप्टन से परमिशन लेना पड़ता है, उसके लिए एक परमिट बनाना पड़ता है। तो मॉर्निंग 5 से 6 के बीच में आपका सेफ्टी ऑफिसर आएगा, वो पूरा इंस्पेक्शन करेगा, फिर आपको जाना है कैप्टन के पास, मैं वही करता था, कैप्टन के पास जाके अपना फॉर्म फिलअप करके साइन सब लेके आ जाता था। अगर वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल या फायरिंग वर्क या हॉट वर्क जिसे कहते हैं, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई जॉब रहता है, तो आपको उसका अलग से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये मेरा जॉब था, परमिट देखना, स्टोर संभालना, प्रोजेक्ट का जितना भी मटेरियल हो उसे कोऑर्डिनेशन करना, फिर इन्फॉर्म करना, फिर मेलिंग करना, फिर सिस्टम में डालना। तो ये सारा काम मेरा पहले दिन में था। अब क्या क्या काम होता है उस ऑफशोर रिग प्लेटफॉर्म के अंदर, एग्जैक्ट काम क्या है, किस लिए लोग उसके अंदर ज्यादा जाते, उसका मैं अगले सेशन में अगला वीडियो बनाऊंगा, डीपली बनाऊंगा कि प्रेशर ज्यादातर ये ऑयल रिग प्लेटफॉर्म के अंदर क्यों जाते हैं उसके बारे में। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होपफुली यू आर ऑल एंजॉइंग, सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सो बाय एंड टेक केयर।